हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 150 क्वेश्चन पढ़ा। अब उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 191 क्वेश्चन हुआ, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1951 में। चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने किस विद्यालय से अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने। ठीक। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उत्सव पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी के याद पे खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षक दिवस जो है वो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन ही 29 अगस्त को हुआ था, उसी के दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। ये मैंने पहले आपको डिटेल में बता चुका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र ने। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ ना एक का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल पे है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने।
ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गगरीन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्म स्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव महा ये वर्तमान महासचिव कौन है? ये बान की मूल गलत है, ये पुराने थे, अभी हैं एंटेरियो गुटेरस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ओके फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो फिर लेके आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।